नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका india.com में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, अब बात करते हैं आठवीं शक्ति अर्थात देवी महागौरी के कारण। अपने गौर वर्ण के कारण देवी का नाम, देवी दुर्गा का नाम महागौरी पड़ा। तो मित्रों, महागौरी की पूजा अर्चना करके आप अपने मन की किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। देवी पार्वती का परम आशीर्वाद आपको मिल जाता है और इसी के साथ ही महागौरी की पूजा अर्चना करने से दाम्पत्य जीवन को सुखद बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपका पति पत्नी का आपसी वाद विवाद है या फिर आपके बीच में तलाक तक की नौबत आ गई है तो देवी महागौरी की शरण में जाइए या फिर अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में पीले या लाल या गुलाबी आसन पर बैठकर लाल चंदन की माला से एक मंत्र आपको दे रहे हैं, उस बीज मंत्र का आप जाप करिए, आपको फायदा होगा। तो महामंत्र आप नोट करिए जिसे हम बीज मंत्र के नाम से जानते हैं, श्री क्लिंग ह्रिंग वरदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा, देवी महागौरी की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर होगी और आपका परिवार बिखरने से जरूर बचेगा। तो इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। तो मित्रों, नवरात्रि काल के दौरान किसी भी देवी की पूजा अर्चना करके आप अपने मन की इच्छा को पूरा कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं नौकरी में तरक्की हो, व्यापार में तरक्की हो, तो एक महा उपाय आपको दे देते हैं। देखिए, आपको यदि मंत्रों का जाप नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का आप 108 बार जाप करिएगा। साधारण सा दिखने वाला यह मंत्र अपने आप में विलक्षण प्रभाव लिए हुए हैं, तो इस मंत्र को हर दिन यानी प्रति नवरात्रि के दौरान आप जरूर जपिए। तो मित्रों, india.com के माध्यम से हम हर दिन आपको नई जानकारी देते हैं, क्रमानुसार फिर किसी वीडियो को लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए india.com। नमस्कार।